आज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे कोई नंबर हमारा होता है और जितने भी प्लेसेस हमें पता है नंबर के, जब हम लोग राइट टू लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमारा वंस आता है, फिर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, क्रोर्स और 10 करोर्स आता है। हम चाहें तो ये सारे जो प्लेसेस है उसको एक एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स जैसे है उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे एक ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्यों ब्लॉक में कन्वर्ट कर रही हूँ वो आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। फिर थाउजेंड्स और 10,000, इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन लाख्स, 10 लाख्स, इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। देन हमारा क्रोर्स और 10 करोर्स बचता है, उसको भी एक ब्लॉक में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे चार ब्लॉक्स बन जाएंगे ऐसे। तो ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग एक एक पीरियड बोल सकते हैं। तो हमारे चार पीरियड्स बन गए, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा वंस पीरियड हुआ, ये हमारा थाउजेंड्स पीरियड हुआ, ये हमारा लाख्स पीरियड हुआ और ये जो बचा ये हमारा क्रोर्स पीरियड हुआ। ऐसे अभी हम लोग पीरियड्स क्यों बनाए? पीरियड्स बनाने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे टू प्लेसेस हैं, एक 10 करोर्स का प्लेस है, एक क्रोर्स का प्लेस है, तो यहाँ पे हमारे टू डिजिट्स रह सकते हैं। सिमिलरली लाख्स में दो प्लेसेस हैं, 10 लाख्स, लाख्स, तो यहाँ पे टू डिजिट्स रह सकते हैं। यहाँ पे हमारे टू प्लेसेस हैं, 10,000 और थाउजेंड्स, तो यहाँ पे टू डिजिट्स हमारे रह सकते हैं। यहाँ पे तीन प्लेसेस हैं तो यहाँ पे थ्री डिजिट्स हमारे रह सकते हैं। तो हम लोग को अगर कोई नंबर दिया जाता है तो हम लोग इस टेबल के अनुसार उस नंबर का प्लेसमेंट कॉमा लगाकर कर सकते हैं। अगर कोई 10 करोड़ का नंबर दिया गया है तो हम लोग जैसे यहाँ पे टू डिजिट्स रह सकते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ दो डिजिट रह सकते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ दो डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे और रेस्ट थ्री डिजिट्स वैसे ही रखेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए हमारे पास ये नंबर है तो इसमें कुछ कॉमास नहीं है, तो हम लोग ऐसे बैक से पहले ऐसे मेंटली करेंगे। तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर, 10 करोर। तो ये 10 करोर वाला नंबर है तो हमें पता है क्रोर्स पीरियड में हम लोग दो डिजिट के बाद कॉमा लगा सकते हैं। तो आप लोग ऐसे मेंटली कीजिए, अदरवाइज रफ में भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये नंबर है तो ये वंस है, टेंस, इस साइड से आपको लिखना है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, क्रोर, 10 करोर। ऐसे आप लोग नंबर को रफ में कर सकते हैं। फिर अभी हमें कॉमास लगाने हैं तो ये देखिए 10 करोर्स वाले जो नंबर है तो हमारे क्रोर्स पीरियड में दो डिजिट रह सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ये दो नंबर जो है ये क्रोर्स पीरियड के हैं, कॉमा लगाइए। फिर लाख्स पीरियड में दो डिजिट रह सकते हैं तो 10 लाख्स और लाख्स है, यहाँ पर कॉमा लगाइए। थाउजेंड्स पीरियड में भी दो डिजिट रह सकते हैं, 10,000 और थाउजेंड, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए। तो ऐसे आप लोग कॉमा लगा सकते हैं।
तो ऐसे हम लोग नंबर को लिखेंगे ऐसे 540 ऐसे नंबर को लिखेंगे। आप लोग अगर मेंटली ऐसे याद रख लेंगे, जैसे क्रोर्स पीरियड में 2 डिजिट होता है, लाख्स पीरियड में 2 डिजिट्स होते हैं, थाउजेंड्स में 2 डिजिट्स और वंस में 3 डिजिट्स होते हैं, तो जितना भी नंबर अगर आप लोग को दिया जाएगा आप लोग बहुत इजीली उसमें कॉमा लगा सकते हैं। ये और एक एग्जांपल देखिए, तो मान लीजिए ये कोई नंबर है, तो आप लोग मेंटली ऐसे कीजिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख ऐसे मेंटली रफ में कीजिए। फिर आपको याद है लाख्स पीरियड में 2 डिजिट होते हैं, तो डायरेक्टली 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाइए। फिर थाउजेंड्स के पीरियड में 2 डिजिट रह सकते हैं, 2 डिजिट के बाद आप डायरेक्टली कॉमा लगा दीजिए, फिर ऐसे छोड़ दीजिए बाकी जो 3 डिजिट्स हैं। तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम खत्म होता है।